कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.5 हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं, सातवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उपयुक्त सर्व समीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको सर्व समीका के उपयोग से मान ज्ञात करने, डायरेक्टली आपको गुणा नहीं करनी है। यहाँ लिखा है ना 99 की पावर 3, यानी कि 99 को 3 बार गुणा नहीं करना है, सर्व समीका का उपयोग करते हुए फिर इसको आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी को रखते हैं साइड और क्वेश्चन करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों प्लीज़, आप बाद में भूल जाते हो। यहाँ हमें क्या दे रखा है बेटा, 99 की पावर 3। ठीक है, सो 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस का 1 लिख सकता हूँ। और ये किस सर्व समीका पे आधारित दिख रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। ठीक है, लेकिन आपके बुक में ऐसा भी लिखा होगा, ए क्यूब 3a² b प्लस 3ab² फिर आपका आज लिखा होगा बी क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसे आपके किताब में इस तरीके से लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करते हैं। ए की जगह पे 100 है तो यहाँ रखेंगे 100 का क्यूब 3, ए की जगह पे 1 है 1 स्क्वायर, बी की जगह पर सॉरी ए की जगह पे तो 100 है ना, 100 का स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है 3, ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पे 1 स्क्वायर और फिर बी क्यूब। देखो 1, 2, 3 है, 3 बार करना है ना, तो 2 2 0 कितनी बार आ जाएंगे, 3 बार, 1 4 5 6 बार। ठीक है, 2 0 3 बार, 1 2 3, फिर यहाँ कितना है 3, 2 0 पावर में 2 है ना, तो 4 बार आ जाएगा। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा 300 प्लस का, 300 गुणा कर देंगे 300, 1 का वर्ग कुछ भी करो 1 होता है, 1 का वर्ग कुछ भी करो, 1 की पावर में कुछ भी हो वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 4 5 6, 3 1 3 पीछे से 4 0 और यहाँ से 300 और ये माइनस के 1। ठीक है, आपको हल करना तो बेटा आप कुछ आता ही होगा, तो ये प्लस का है ये प्लस का है, तो जोड़ देके तो ये हो जाएगा 0 होंगे, 300 जोड़ेंगे ना तो 3 0 होंगे, इधर इधर 1 0 नहीं होगा, 3 0। ठीक है, 1 2 3 0 फिर 3 फिर 0 0 और इससे 1 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 0 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
9000 बोल रहा हूँ, 970299। घटाना तो आता ही होगा बेटा, पहले इसमें से एक घटाओगे जो आएगा, फिर इसमें से घटा दोगे, है कि नहीं? घटाना आता होगा ना, ऐसे घटाना। कितने जीरो हैं यहाँ पर? 300, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक कम करेंगे यहाँ से, 10 में से एक गया 9, यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 9, इसने हासिल देते हैं, यहाँ से बचा 2, ठीक है? घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 79। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ बच्चों। सेकंड वाला पार्ट आपका है 102 की घात 3, तो जिसे हम लिख सकते हैं 100 + 2, तो ये किस रूप में बेटा? ए प्लस बी की घात 3, ठीक है? जिसका सूत्र क्या, बस यहाँ जितना सारा माइनस और प्लस हो जाएगा, बस ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस के बी क्यूब, ठीक है? अब सूत्र में रख दो, ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पे 2, ठीक है? सारे मान हम सूत्र में रख देते,
ये सारे बार हमने सूत्र में रख दिया, अब हल करो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो 3 बार, ठीक 2 जीरो कितने हो जाएंगे, 2 बार, यहाँ से 2 दुनी 2 को 2 बार गुणा करोगे, 2 दुनी 4 छत्तीस 12, पीछे से क्या है ये, 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 दुनी 4 दुनी 8, ठीक है, 3 4 5 6, 3 दुनी 6, 3 4 12 1 कम 12, पीछे से 2 जीरो 8, ठीक है। अब सबको जब जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है, इन सबको आपस में जब जोड़ दोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। जोड़ना घटाना तो आता ही होगा बेटा आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, 998। इसको मैं लिख सकता हूँ, कई बच्चे करेंगे 900 प्लस 98, ऐसे मत करना, कैलकुलेशन जिसमें आसान हो, 10 100 1000 जब रहेगा तो कैलकुलेशन आसान होती है, तो इसको लिख सकता हूँ 1000 माइनस के 2, 98 को, 998 को। तो अब ये क्या है बेटा, ए माइनस का बी ऊपर है क्यू, ठीक है, तो ये वाला सूत्र फिर से लगेगा, ठीक है, इस सूत्र से मैं खोल देता हूँ, क्या होता है बेटा, ए का क्यूब माइनस के 3a² बी, 3 ये a है, ए स्क्वायर b की जगह पर 2 है, फिर प्लस का होता 3b² है, ठीक है, 3ab² a कितना है, ये b है 2, प्लस के बाद माइनस, माइनस 2 की b³, ठीक है, फॉर्मूले से खोल दिया, 3 जीरो कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 गुणा 2, और 3 जीरो कितनी बार आएगा, 2 बार, 1 2 3, 1 2 3, 2 दुनी 4 छत्तीस 12, पीछे से 1 2 3 0, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 3 दुनी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को जोड़ के उनमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे, है कि नहीं, इसको और इसको जोड़ोगे और फिर इसको और इसको जोड़ के, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को इनमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे, है बस वन में। सो देखो बेटा यहाँ जब जोड़ेंगे 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2, यहाँ आ गया 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, और ये माइनस का है, यहाँ आ जाएगा 6 0 0 0 4 5 और 8, इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2 आंसर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए, अब यहाँ आते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब देखो प्रसारित रूप में दे रखा है आपको, गुणनखंड निकालना है, घात 3 लगाए ना, तो समझ जाना कि a प्लस बी क्यूब होगा या फिर a माइनस बी क्यूब होगा, लेकिन सूत्र के रूप में ला के दिखाना है और फिर उस बाद में रखना है, ठीक है, आ जाओ 8वें के पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है 8a³ प्लस b³, 12a² b, फिर 6ab²
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो बेटा, आपको पहले पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 ए स्क्वायर बी, 3 बी स्क्वायर ए। ठीक है, सो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ए की घात 3, बी की जगह बी है। अब इसको तोड़ के लिखना है, ठीक है। 3 तो होता ही है 3, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है बी, और बी की जगह पर बी है, ठीक। फिर क्या आता है 3, फिर आता है बी स्क्वायर, बी कितना है बेटा मेरे पास बी है, और ए की जगह कितना है 2 है। देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो यही आना चाहिए, और ये सूत्र के रूप में दिखा दिया आपने, ठीक है। ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है। इट इम्प्लाइज ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो ए की जगह पर है 2 ए और बी की जगह पर है बी क्यूब। गुणनखंड करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 बार गुणे में है ना। आंसर सरल समीकरण से ये इतना आसान हो गया, ठीक है, आराम से बन गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। वही क्वेश्चन है, बस माइनस में आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2a माइनस b क्यूब। क्यों? इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2a क्यूब, यह है बी क्यूब माइनस के 3 a स्क्वायर, बी प्लस के 3 a b स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र में रख दिया, इस सूत्र से सूत्र क्या लगाया मैं वो लिख देता हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, ठीक है, माइनस के 3 a स्क्वायर b प्लस के 3 3 b स्क्वायर a। इस सूत्र से हमने खोल दिया इसको, इसकी जगह पर ये आते हैं, ए की जगह पर 2 है और बी की जगह बी है। गुणनखंड करना है तो ये 3 बार गुणे में लिख दो। सूत्र याद होना चाहिए बस, सारा खेल बच्चों सूत्र का है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 27 माइनस के 125 ए क्यूब, वही सूत्र रखेगा दोबारा, माइनस आ गया ना, 135 ए, फिर 225 ए स्क्वायर, ठीक है। सो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 5 ए का क्यूब, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 तो होता ही है, फिर आता है आपका ए स्क्वायर, ए क्या है 3 ए स्क्वायर, फिर आता है बी, बी आपका 5 ए, फिर 3, फिर आता है बी स्क्वायर, बी कितना है बेटा 5 ए का स्क्वायर, और फिर आपका क्या आता है ए, ए की जगह पर कितना है 3, ठीक है। इसको मैंने इस रूप में तोड़ के लिख दिया, इस रूप में लिख दिया ना बुरा, यानी कि ए माइनस बी, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, यानी कि हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब आंसर, जिसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5 है, 3 बार गुणे में 3 माइनस 5 है, 3 माइनस के 5 है आंसर, ठीक है। इस सूत्र से होगा ये वाला, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले पार्ट पे आ जाऊं, चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर पे आप कर सकते हो, माइनस आ गया, क्या दिक्कत है। ये है 64 ए क्यूब, 27 बी क्यूब, 144 ए स्क्वायर बी प्लस, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 108,
ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4a की घात 3, इसे मैं लिख सकता हूँ 3b की घात 3, ये आपका होता 3a स्क्वायर, फिर आता है b, फिर आता 3b स्क्वायर, फिर आता है a। ये किस रूप में बेटा, ये है a³ - b³ 3a² b + 3b² a। क्या होता है सूत्र में, a - b³³। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a - b³ 3 बार गुणे में। आंसर ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं फिर, 27p³, यहाँ है 1/1 216, यहाँ है 9/2 p² और यहाँ है 1/4 p। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो फटाफट क्वेश्चन को दोबारा देखें, ठीक है। 216 जब होता है, अगर 6 को 3 बार गुणा करें तब हमें मिलता है, और 1 की घात कितनी भी करो 1 ही होता है। 27 आपको पता है, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तब 27 मिलता है, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो मिलेगा 1/6। यहाँ पी स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पर होता है किस रूप में, 3a स्क्वायर। 3a क्या है बेटा, ये मेरे पास है 3a² b, बी आपका होगा बेटा 1/6 गुणे में, फिर आपका आता 3, फिर आता आपका b², फिर आपका आता है a, ठीक है। a³ - b³ 3a² b + 3b² a, ठीक है, इस सूत्र से। तो ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, a - b³³। तो इसका मतलब है 3 बार गुणे में है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे सत्यापित कीजिए, इसको ये सत्यापित करके दिखाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सत्यापित करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, गुणा आना चाहिए आपको ढंग से। 90 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, x³ + y³ जो है वो हमें दे रखा है, खुद में ये एक सूत्र भी होता है, खुद में एक सूत्र भी है ये, अब आपकी मर्जी है बाएं पक्ष से दाएं पक्ष हल करो या फिर दाएं पक्ष से बाएं पक्ष हल करो। तो ये लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, ये वाला पक्ष लेंगे हम, ठीक है, ये वाला हल करके आपको ये वाला लेके आना है, तो आपका सत्यापित हो जाएगा। तो x + y है और यहाँ है x² xy y² कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, गुणा करने का एक सिंपल टेक्निक सिखाता हूँ, ये x है ना, x से गुणा करना है, x से इसमें गुणा करना है, तो ये पहले लिख दूँ फिर गड़बड़ कभी नहीं होगा। फिर ये प्लस का y है, प्लस y, फिर ये लिख दूँ जिसमें गुणा करना है, ठीक। अब गुणा करके देखो, x की घात 2 x की घात 1 x की घात कितनी हो गई, 3। यहाँ से आ जाएगा x² और यहाँ से आ जाएगा xy², ठीक है। फिर y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²y, यहाँ से आ जाएगा माइनस x, एक बार है y गुणा y, y² हो जाएगी, प्लस y² y³ 1 y³ 3 हो जाएगी। कुछ कट पिट रहा है, देखो ये xy माइनस का है, ये प्लस का है, कटा
ये माइनस का ये प्लस का ये कट, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तुम दायां पक्ष लेके चले तो बायां पक्ष आ गया, अर्थात एर एच एस बराबर किसके हैं, आर एच एस। फिर ये लास्ट में लिख देना है इसको, ये हो गया सिद्ध, आराम से हो गया है ना। ये खुद में एक आइडेंटिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा। अब ऐसा ही माइनस वाला भी एक सूत्र होता है, यहाँ करते हैं सेकेंड वाला पार्ट क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, सूत्र होता है एक्स माइनस के वाई, अंदर होता है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम करना है, बाया दाया पक्ष लेना है। ले लीजिए एक्स माइनस के वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। अब एक ये वाला गुणा सिखाए हैं आपको, नॉर्मल भी सिखाते हैं, एक्स से गुणा करेंगे, एक्स को जब एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स की घात 3, एक्स प्लस एक्स एक्स की घात 2, वाई वैसे का वैसे, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई से गुणा करना है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर, फिर वाई और वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर और वाई वाई क्यूब। देखो माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का कट, यहाँ से क्या बचा एक्स क्यूब, यहाँ से क्या बचा माइनस के वाई क्यूब, आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। चूंकि एल एच एस किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर, तो ये क्या हो गया प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दसवां क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए और संकेत दे रखा है कि दस दस का उद्गुण ले लो। यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये वाला सूत्र लगेगा, और यह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो गाइस लाइट चली गई है ना, तो देखो मैं टॉर्च चला के पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, उसके बाद फिर बाद में करेंगे। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक हाथ से टॉर्च पकड़ के रखा है और एक हाथ से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आपको छाया वाया भी दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है 27, क्या है वाई क्यूब, राइटिंग भी नहीं बन रही एक हाथ से, और फिर 125 जेड क्यूब। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3y की घात 3, और इसे लिख सकता हूँ 5z की घात 3। ठीक है बेटा, आपको एक सूत्र पता होगा, जस्ट अभी आपने पढ़ा है, a की घात 3 b की घात 3 क्या होता है, a प्लस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। वहाँ पर एक्स वाई में था, मैंने यहाँ ए बी में कर दिया, जो आपको सही लगे। तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा फिर ए का स्क्वायर, फिर ए बी 3y गुणा 5z, फिर प्लस में क्या है बी स्क्वायर 5z का वर्ग। ठीक, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, गुणनखंड ही करना है, 3 का वर्ग होता है 9, वाई स्क्वायर 5 × 3 = 15, वाई जेड 5 × 25, और ये जेड स्क्वायर आंसर। ठीक, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पर, सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 64 m³, फिर 343 n³। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 64 का कित 3 का वर्ग होता है, 64 वर्ग होते हैं 3 का, और 343 जो वर्ग होता है वो होता है 7 का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 m³, और ये होता है 7 n³। ये सूत्र है किस रूप में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि आपका होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, फिर बी का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 4m, 7n, 4×16m स्क्वायर, 4×7=28 mn, फिर आ जाएगा 7×7=49n स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि लाइट चली गई है।